नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन एलर्जी के बारे में। ये सन एलर्जी जिसको हम हमारे साइंस में पीएमएलई बोलते हैं, यानी पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन। तो ये क्या होता है और क्यों होता है? आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के हाथ के एक्सटेंसर साइड, यानी ये साइड में और कंधे में, ये जगह में आपका जहाँ पे धूप लगता है वहाँ पे कुछ रैशेस निकलता है और वहाँ पे खुजली होने लगता है, और ये खुजली धूप लगने से ज्यादा होने लगता है। ये जो रैशेस होता है ये बहुत टाइप का होता है, जैसे कि आपका छोटा छोटा दाना दाना रैशेस हो सकता है, बड़ा बड़ा प्लाक जैसा रैशेस हो सकता है, कभी कभी ऊंचा ऊंचा मोटा मोटा स्किन रैशेस हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन। तो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपके आसपास जो भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाइए, वो आपको डायग्नोसिस करके बताएंगे कि ये आपका सन एलर्जी यानी पीएमएलई है या और कुछ रैसेस है। क्योंकि ये जो रैसेस है आपका, और भी बहुत सारे स्किन की बीमारी है जैसे लाइकेन प्लानस, सोरियसिस, कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस, ऐसे बहुत सारा बीमारी होता है जो देखने में एक जैसा ही लगता है। तो आपका स्किन का डॉक्टर ही देख के आपको बता सकते हैं कि ये पीएमएलई है या और कुछ है। जब ये पीएमएलई डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट में फर्स्ट होता है आपको सनलाइट को अवॉइड करना है, यानी तेज धूप में आपको नहीं निकलना है। अगर आपको धूप में निकलना ही है तो आप हमेशा फुल स्लीव शर्ट पहनिए, बड़ा सा टोपी पहनिए, छाता यूज करिए और सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। और सनस्क्रीन आपको दिन में 2-3 बार लगाना है, जिसका एसपीएफ मिनिमम 30 हो वैसा वाला सनस्क्रीन चूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह में एक बार सनस्क्रीन लगा लिए तो सारा दिन आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर 2-3 घंटा में आपको सनस्क्रीन दोबारा लगाना पड़ेगा। सनस्क्रीन के साथ साथ आपका डॉक्टर आपको लगाने के लिए कुछ क्रीम देंगे जिससे आपका रैशेस कम हो जाएगा, आपका खुजली कम हो जाएगा। तो ये कोई ज्यादा भयंकर वाला बीमारी नहीं है, छोटा सा ही सन एलर्जी है। लास्ट में एक क्वेश्चन हमको सब पेशेंट पूछते हैं, हम तो धूप में निकलते नहीं है, हमको क्यों हो रहा है? हमको तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें, जिसका जो चीज से एलर्जी होता है अगर थोड़ा बहुत भी उसको वो एलर्जिन से उसका एक्सपोजर होता है तो ये प्रॉब्लम उसको हो जाता है। जैसे कि अगर किसी का ये सन एलर्जी नहीं है, वो सारा दिन धूप में खुला बदन में घूमते रहे, तो उसका ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। अगर किसी का ये सन एलर्जी है, अगर वो 5-10 मिनट भी धूप में घूम के आ गया, छत से घूम के आ गया, तो उसका ये एलर्जी शुरू हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक सन एलर्जी के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरे के साथ इसको शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।